गली में भी खेलते थे। किसी बच्चे खेलने वाले ऊपर से कुत्ता छोड़ देंगे जी, छत पे चलेगी। क्या कुछ हुआ था? मैं छत पे चली थी, उनके में दूसरी उनके में थोड़ी देर बुलाया था, फिर एक और उनके उन्होंने कहा कहा कि है ना अपनी छत पे चली जा, फिर अब है ना कुत्ते को छोड़ दियो, फिर ना उन्होंने मैं ना जा ही रही थी, उन्होंने कुत्ता छोड़ दिया। तो पहले भी कभी कहा था कुत्ते छोड़ देंगे, ऐसा कुछ कहा था आपको? हाँ, जब उसके सामने वाली लड़की को थे। तो कहाँ कहाँ चोट आई थी आपके? यहाँ पर तो काटा था, और यहाँ पर मुझे लगी। अब दीवार पे चढ़ गया था जब कुत्ता खोल रहा। हाँ। दीवार से किंचा है। पूरा खा गया था इस साइड का हिस्सा। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तो एग्जाम भी आने वाले होंगे, तो दर्द वगैरह अभी भी है आपको यहाँ पर? दर्द है यहाँ पर। क्या चाहते हैं, वो डॉग वहां से चला जाए? हाँ। और बच्चों को भी डर होगा, वो ना गली में खेलने देते ना ऊपर, अच्छा आपकी छत पे भी नहीं खेलने देते, गली में भी नहीं खेलने देते? भोगता है। आप अकेले थे जब काटा आपको? अर्जुन जी, तो कैसे क्या घटना हुई आपके? सर मैं नहीं था मौके पे, मैं काम पे था। क्या हुआ फिर, क्या पता चला आपको? पता लगा भाई मम्मी ने फोन किया था, भाई कुत्ते ने काट लिया। कौन सा कुत्ता आपके पास? पिटबुल है सर। तो सरकार ने तो प्रतिबंध किया हुआ है, करा हुआ है सर, पता नहीं लोगों ने रखे हुए हैं। भाई ले आया था बस, तो इससे पहले था। पहले भी कई बार काट चुका, काटा हुआ है, पहले किराए पे रहते तब काटा हुआ था। तो गली वालों की शिकायत है, उसके बाद भी क्यों रख रहे हैं? सर बोल तो दिया अब चला जाएगा, अब छोड़ देंगे इसको। अच्छा हाँ जी, ऑपरेशन तो ठीक हुआ है जी, वैसे भी देख रहे हैं जी, थोड़ा निशान वगैरह शायद रहेंगे, कैसा क्या होगा जी, मुझे एक अभी तो बड़ी दिक्कत है जी, बहुत दिमाग भी खराब हो रहा है जी, बस इंसाफ मिले जी बच्ची को जी, इसकी तो पूरी जिंदगी खराब होगी। देखो अगर शादी करूँगा तो वो भी दस बातें देखते हैं जी, अब निशान हो गया जी लड़की के चेहरे पे, तो आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। तो हरजाना वगैरह भरा है उन्होंने हॉस्पिटल? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया जी, अभी हॉस्पिटल का बिल देने की बात आई थी ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा जुगाड़ नहीं है, तो मैं ही देख आया जी, अभी मैंने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए थे, तो देखो रसीद भी है जी मेरे पास, मैं ही देख। क्या चाहते हैं आप फिलहाल, क्या चाहते हैं आप? बस ये कि उस कुत्ते को उठाया जाए और इंसाफ मिले जी बच्चे को। बच्ची थी उसको पिटबुल डॉग ने काट लिया था सर। पिटबुल डॉग ने काट लिया, कोई बच्ची थी शिव कॉलोनी में, गली नंबर 2 में, और उसको अपना हमारी शिकायत मिलने के बाद एफ आई आर दर्ज कर लिया जी, अभी मतलब बंदा फरार है, अभी अरेस्ट हुआ नहीं है, बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया जी। सर किन धाराओं के तहत? 289 आई पी सी सर। खतरनाक है काफ़ी कुत्ता। हाँ, जी जी जी, अपील करेंगे सर इस तरह का ना खुले में छोड़े लोग। हाँ ये तो अपील है बिल्कुल, प्रशासन भी वो कर, सी एम साहब ने अनाउंस कर दी बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं रखेंगे अभी, लेकिन कई आदमियों ने नहीं पता इस चीज़ के बारे, और जैसे ही वो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद फिर अलग से वो कार्रवाई होने लग जाएगी, अभी तो मामला दर्ज किया है, तफ्तीश जारी है। बच्ची का भी ऑपरेशन भी हो चुका है जी जी जी, क्या कार्रवाई की जाएगी उसको? अरेस्ट करेंगे जी जी, कार्रवाई करेंगे नियमानुसार जी।